नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में 70 किलो MD ड्रग मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्त कर रही है। वहीं पूरे मामले में अब तक क्राइम ब्रांच में 26 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं देर रात एक और आरोपी को MD ड्रग मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान पत्रकारिता की आड़ में MD ड्रग सप्लाई करने का काम आरोपी द्वारा किया गया था। इंदौर पुलिस लगातार ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गौरतलब है इंदौर क्राइम ब्रांच ने बीते कुछ दिन पूर्व 70 करोड़ से अधिक की MDA ड्रग बरामद की थी, जिसमें तेलंगाना व मध्य प्रदेश से कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी रिमांड भी ली गई थी। वहीं पूर्व में पकड़ाया गया आरोपी राय से पूछताछ के बाद शाहिद का नाम पुलिस को बताया गया था। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने शाहिद को कोर्ट परिसर में कल शाम को हिरासत में ले लिया था, जिसकी पुलिस ने एक महीने से तलाश कर रही थी। वहीं DIG मनीष कपूरिया ने बताया कि पत्रकारिता की आड़ में पूर्व में पकड़ाया गया आरोपी राइस और शाहिद के करीब 1 किलो से ज्यादा MD ड्रग बेचने का काम किया है। फिलहाल पुलिस ने शाहिद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपी द्वारा किन किन लोगों के अब तक नाम सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस ने शाहिद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपी द्वारा किन किन लोगों के अब तक ड्रग सप्लाई कर दी जा चुकी है, ये पूछताछ जारी। सर, पुलिस विभाग ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में एक और शख्स का बताया, सर क्या नाम है उसका और किस तरह से उसके कार्रवाई? ये जो ड्रग्स का कारोबार यहाँ चला है, इस पे सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास है। इस ड्रग कांड में और इस अपराध में जिन जिन के संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध सक्षम धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शाहिद नाम के एक शख्स को अभी हिरासत में लिया गया है। इनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे अपराध में रहा है, इनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और भी सर, इसमें इसका नेटवर्क पूरा अभी जो है वो अनकवर हो रहा है और जिस प्रकार साक्ष्य आ रहा है उस अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन में पूरा स्मगलिंग का काम करता था, ऐसा कुछ जानकारी आ रही है? इस प्रकार के तथ्य आए हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला न्यूज। नमस्कार।